तो गाइस जैसे कि आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले हमने ब्रांड न्यू आईफोन लिया था जो कि है आईफोन 14 प्रो मैक्स और इसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी हमारे चैनल पे आ चुका है और नहीं देखा तो चाहे जरूर देख लेना। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले इसकी स्पेसिफिकेशन एंड फीचर के बारे में। और अगर आपको ना पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस स्मार्टफोन के अंदर कुछ ऐसे फीचर और ऐसे स्पेसिफिकेशन दिए गए है जो कि वर्ल्ड के किसी भी स्मार्टफोन के अंदर नहीं है। तो वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि iPhone 14 सीरीज का एक टॉप ऑफ द मॉडल है iPhone 14 Pro Max। तो ऑफ कोर्स इसकी जो डिस्प्ले और बैटरी है वो काफी बड़ी है। अगर बात करूँ इसके डिस्प्ले की तो 6.7 इंच का OLED डिस्प्ले इसके अंदर दिया गया है। और यहाँ पे बात करें इसकी बॉडी डिजाइन की तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो फ्रंट है वो यहाँ पे सेरामिक सिल्क का दिया गया है और इसका जो बैक साइड है वो यहाँ पे मैट ग्लास का दिया गया है और इसकी जो बॉडी है वो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील के डिजाइन यहाँ पे बनाया गया है। ओवरऑल इसका जो लुक है वो काफी कमाल का लगता है, साथ में यहाँ पे डीप पर्पल कलर के अंदर ये काफी कमाल का लगता है और इस साल का ये टॉप ऑफ द ब्रांड न्यू यहाँ पे कलर माना जाता है। अब यहाँ पे इसके बटन या पोर्ट की बात करें तो यहाँ पे राइट साइड के अंदर यहाँ पे साइड की दी गई है, ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है। और अगर बात करें यहाँ पे लेफ्ट साइड की तो लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पे एक म्यूट स्विच मिल जाती है कि हर बार यहाँ पे आईफोन के अंदर देखने को मिल जाता है। और इसके नीचे वॉल्यूम रॉकर और इसके ही नीचे यहाँ पे मिल जाता है यहाँ पे सिम स्लॉट। और यहाँ पे नीचे की तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिल जाएगा यहाँ पे स्पीकर ग्रिल और यहाँ पे माइक ग्रिल और यहाँ पे लाइटिंग पोर्ट। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इसके बैक कैमरा की तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो इसका मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का प्योर पिक्सल सेंसर, साथ में यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया है और साथ में यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का 12 फोटो यहाँ पे 3x जूम के साथ दिया गया है। और इस बार यहाँ पे इसका कैमरा का जो बम्प है वो भी यहाँ पे बढ़ चुका है, साथ में यहाँ पे लाइडर यहाँ पे स्कैनर भी दिया गया है और बीच में यहाँ पे लोगो देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं आईफोन के हाईलाइट यहाँ पे फीचर के बारे में। बेसिकली यहाँ पे दोस्तों इस आईफोन के अंदर एक न्यू फीचर दिया गया है और वो है डायनामिक आइलैंड। यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पे जितने भी आईफोन आते थे उसके अंदर यहाँ पे नॉच हुआ करती थी, लेकिन फाइनली यहाँ पे एप्पल ने यहाँ पे नॉच हटा के यहाँ पे डायनामिक आइलैंड दे दिया गया है। और ये डायनामिक आइलैंड ही नहीं, बेसिकली इसके अंदर सॉफ्टवेयर एड किया गया है। अगर आप यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन ओपन करते जैसे कि म्यूजिक हो गई या यहाँ पे टाइमर हो गया तो यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे नोटिफिकेशन की तरह यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और वहां से ही आप एक्सेस कर सकते हैं। और इसके साथ मल्टीपल आप यहाँ पे एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं इसके अंदर और सारा नोटिफिकेशन वगैरह आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है और काफी कमाल का यहाँ पे लुक देता है। और साथ में इसके अंदर यहाँ पे फ्रंट कैमरा यहाँ पे दिया गया है, बेसिकली 12 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस यहाँ पे कैमरा इसके अंदर दिया गया है और काफी कमाल का यहाँ पे लगता है जब यहाँ पे डायनेमिक आइलैंड के अंदर इस तरह से कैमरा यहाँ पे देखने को मिल जाता है और काफी कमाल का लुक देता है इसी के अंदर। अब यहाँ पे इसकी वेट की बात करूँ तो 240 ग्राम का इसका वेट है और काफी यहाँ पे हैवी लगता है, जब आप हाथ में पकड़ते तो काफी हैवी देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों इसी आईफोन के दूसरे हाईलाइट फीचर के बारे में बात करें तो वो आता है पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, यहाँ पे देख सकते हैं। फाइनली दोस्तों यहाँ पे एप्पल ने यहाँ पे अपने आईफोन के अंदर यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दे दिया गया है। पहले से ये एंड्रॉइड के अंदर हुआ करता था, लेकिन पहली बार आईफोन के अंदर यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिला है और ये काफी कमाल का। बेसिकली अगर जैसे यहाँ पे आईफोन के पावर बटन आप दबाते हैं तो यहाँ पे ये चला जाएगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिलेगा लेकिन ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है और ये 1 हर्ट पे चलता है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ इसकी ब्राइटनेस की। बेसिकली दोस्तों इसके अंदर यहाँ पे 1600 नीट्स और 2000 नीट्स की ब्राइटनेस दी गई है जो कि वर्ल्ड के किसी भी स्मार्टफोन के अंदर नहीं, सिर्फ इसी स्मार्टफोन के अंदर यहाँ पे 2000 नीट्स के ब्राइटनेस जाती है। अगर बेसिकली अगर आप ये नॉर्मल यूज करेंगे तो यहाँ पे 1600 नीट्स पे जाएंगी, लेकिन अगर आप धूप में चले जाते हैं तो वहां पे 2000 नीट्स ऑटोमेटिक यहाँ पे ब्राइटनेस हो जाएंगी। तो अभी तक किसी भी स्मार्टफोन के अंदर इतना यहाँ पे नीट्स वाला ब्राइटनेस नहीं दिया गया है और ये काफी कमाल का यहाँ पे धूप के अंदर भी यहाँ पे काफी डिस्प्ले आपका चमकता है। और इसी आईफोन की डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट की बात करें तो 120 हर्ट्ज इसकी रिफ्रेश रेट जाती है और पहली बार ये दिया गया है जो कि काफी अच्छी बात है। और इसी आईफोन के अंदर यहाँ पे बात करें इसकी चिप की तो फाइनली यहाँ पे न्यू चिप दी गई जो कि है A16 बायोनिक चिप जो कि लेटेस्ट है और अपग्रेड करके यहाँ पे एक चिप बढ़ा के यहाँ पे A16 बायोनिक चिप यहाँ पे दिया गया है। इससे इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी बढ़ जाती है और ये फ्लेस वाटर और यहाँ पे डस्ट यहाँ पे रेजिस्टेंट है। IP68 इसके अंदर रेटिंग दी गई है। 6 मीटर और 30 मिनट तक आप यहाँ पे वाटर के अंदर रहेंगे तो कुछ भी इस स्मार्टफोन के अंदर नहीं होगा। और इसी आईफोन 14 प्रो मैक्स के अंदर यहाँ पे क्रैश डिटेक्शन फीचर दिया गया है। बिजली क्या काम करता है कि अगर यहाँ पे कार
सामान लेके आप जा रहे हो और अगर आपको बीच में एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान करे ऐसा ना हो लेकिन ऐसा हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सैटेलाइट से वो कनेक्ट हो जाएगा और वो SMS यहाँ पे सेंड कर देंगे, साथ में आपकी लोकेशन भी सेंड कर देंगे और इमरजेंसी में आपको हेल्प मिल सकती है। तो इसी तरह यहाँ पे इसके अंदर क्रैश डिटेक्शन जो फीचर है वो दिया गया है, लेकिन फिलहाल अभी ये इंडिया में काम नहीं करता है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके कैमरा फीचर के बारे में, तो इसके अंदर यहाँ पे जो कैमरा है वो काफी इम्प्रूव हो चुका है, यानी कि अगर आप 48 मेगापिक्सल के अंदर फोटो खींचना चाहते तो आप रो फाइल के अंदर खींच सकते हैं, बाद में उसको एडिट भी कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे दोस्तों एक्शन मोड दिया गया है जो कि काफी सिनेमेटिक आप वीडियो बना सकते हैं, और इसके अंदर अलग से यहाँ पे सिनेमेटिक ऑप्शन दिया गया है तो उसके अंदर भी आप काफी कमाल का सिनेमेटिक शॉट ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वीडियो के अंदर इतना स्मूथ और यहाँ पे इतना स्टेबल बन चुका है तो काफी कमाल का आप वीडियो फुटेज ले सकते हैं। अगर आप पर्सनल यहाँ पे वीडियो के लिए यहाँ पे कैमरा ये लेना चाहते हैं, मतलब ये आईफोन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा क्योंकि इसके अंदर जो क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी, वो काफी कमाल की है। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं इसके सिम स्लॉट की, तो ये मेरे पास इंडियन वेरिएंट है, तो इसके अंदर आप एक ई सिम और एक फिजिकल सिम डाल सकते हैं, यानी कि आप एक सिम डाल सकते हैं और दूसरा आप ई सिम में कन्वर्ट करके आप दो सिम को यूज कर सकते हैं। साथ में अगर बात करते हैं इसकी 5G, तो ये 5G स्मार्टफोन है और इसके अंदर 5G बैंड कुल टोटल यहाँ पे 22 यहाँ पे 5G बैंड दिया गया है, तो आप इंडिया के अंदर है तो आपको बहुत ही बढ़िया है क्योंकि यहाँ पे इतने बैंड है तो आपको 5G अच्छे से यहाँ पे चलने वाला है। और इसके अंदर मेक सेफ भी दिया गया, यानी कि आप वायरलेस चार्जिंग यहाँ पे 15 वाट तक यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो वैसे तो यहाँ पे बैटरी के बारे में यहाँ पे एप्पल कुछ बताता नहीं है, लेकिन आईफोन 14 प्रो मैक्स अगर आपने लिया है तो इसकी बैटरी बहुत ही बड़ी होगी, तो इसी वजह से आपको बैटरी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके साथ यहाँ पे ऑडियो और वीडियो प्लेबैक की बात करें तो काफी कमाल का होने वाला है क्योंकि इसके अंदर डॉल्बी साउंड दिया गया है। साथ में यहाँ पे वीडियो के लिए यहाँ पे HDR विथ डॉल्बी विजन इसके अंदर दिया गया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो ऑडियो है वो काफी कमाल का होने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो iOS 16 पे चलेगा, यानी कि यहाँ पे काफी क्लियर और काफी स्मूथ यहाँ पे iOS यहाँ पे 16 पे चलने वाला है आपका आईफोन। इसके साथ इसके सेंसर के बारे में बात करें तो इसके अंदर फेस आईडी, लाइडर स्कैनर, बैरोमीटर, हाई डायनेमिक रेंज गायरो, हाई जी एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमेट सेंसर, डुअल एमिनेटर लाइट सेंसर, और इसी आईफोन 14 प्रो मैक्स के अंदर सीरी का भी सपोर्ट है, यानी कि अगर आप यहाँ पे अपना कमांड देना चाहते हैं इस आईफोन के अंदर तो दे सकते हैं, अपना वॉइस ऐड कीजिए सीरी के अंदर और अपने कमांड से इस आईफोन को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर लास्ट में बात करूँ आईफोन की सिक्योरिटी और यहाँ पे प्राइवेसी की, तो ये आईफोन काफी अच्छा माना जाता है सिक्योर और प्राइवेसी के मामले में, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर और ऐसे यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिए जाते हैं जिसकी वजह से आपका मोबाइल और आप काफी सिक्योर हो जाते हैं। और इसकी अगर बात करूँ एक फीचर की, और वो है दोस्तों फाइंड माय डिवाइस, इसलिए अगर आपका मोबाइल लॉस्ट हो जाता है, कोई चोर चोरी कर लेता है, तो भी वो चोर आप उसको आसानी से पकड़ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो यहाँ पे दोस्तों फीचर दिया गया है वो ऐसा है कि अगर मोबाइल स्विच ऑफ भी हो जाता है तो भी आप उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं, और वो कर सकते हैं आप फाइंड माय डिवाइस के जरिए, तो ये काफी कमाल का है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बात की आईफोन 14 प्रो मैक्स के कुछ फीचर एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो कि और भी बहुत कुछ है जिसकी आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तो यही था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और इनमें से कौन सा फीचर कौन सा स्पेसिफिकेशन आपको अच्छा लगा वो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।